अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। दोस्तों ये मैंने अनार का पौधा लगाया हुआ था जो कि मुकम्मल सूख चुका है, कोई एक पत्ता भी नहीं इस पर रहा। ठीक है, तो इसको रीग्रो करने के लिए मैं एक फर्टिलाइज़र यूज़ करने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा और आप लोग भी देखिएगा। तो दोस्तों ये है गोबर की खाद, इसका फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने से पौधों को बहुत ही अच्छी नशोनुमा मिलती है, चाहे वो फूल वाला हो चाहे वो फल वाला हो, कोई भी हो। तो हम इसका फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलो चलिए इसका फर्टिलाइज़र बनाते हैं और इस्तेमाल करते हैं, कैसे इसका इस्तेमाल कितना हमारे लिए पौधे के लिए मुफीद रहेगा और हमारे रिज़ल्ट के लिए। चलो चेक करते हैं इसका क्या रिज़ल्ट निकलता है। पहले तो आप इसको ये इतना सा ले लें। ठीक है, इतना को एक लीटर पानी के लिए आप कोई भी ऐसा कोई इस्तेमाल कर सकते हैं, जग इस्तेमाल कर सकते हैं, बोतल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें एक एक करके डालिएगा। तकरीबन एक लीटर पानी काफ़ी है उसको देने के लिए। इसको इस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करने के लिए, इसको तैयार करने के लिए तकरीबन आपको 24 घंटे चाहिए। इसको सारी रात ऐसे पड़ा रहने देना। ठीक है, तो जैसे ये फर्टिलाइज़र इस्तेमाल हो जाए बन जाएगा हम इसको फिर इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा गोबर की खाद का फर्टिलाइज़र तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं इसका कलर। ठीक है, तो आइए चलते हैं इसको इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं इसका क्या रिज़ल्ट आता है। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस फर्टिलाइज़र ने बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट दिया है। आप देख सकते हैं अनार का पौधा पूरे पत्तों से भर चुका है। 20 से 25 दिनों तक माशाल्लाह ये सारा पौधा भर चुका है, आप देख सकते हैं। तो आप भी ये फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपके फर्टिलाइज़र का रिज़ल्ट कैसा आया है। तो बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।